Last time I had told you the primary and secondary lymphoid organs. और भी कई चीजें बताई थी. Primary and secondary lymphoid organs की हमने बात की थी. Primary lymphoid organs where the lymphocytes are formed and mature, whereas secondary lymphoid organs where the lymphocytes are stored only. ठीक है, वो वहां जाके store हो जाते हैं and then they act when they इंटरेक्ट विद द एंटीजेंस. तो कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स है? बोन मैरो एंड थाइमस जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, बाकी सारे जो है दे आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. ठीक है, सो फर्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज सभी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात हम करेंगे, बोन मैरो. ठीक है, बोन मैरो जो है ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, राइट. सारे ब्लड सेल्स हमने प्लस वन में भी किया था, सारे ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एज वेल एज प्लेटलेट्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय द बोन मैरो, राइट. एंड यू नो दैट बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन बोन मैरो. सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन इज थाइमस, कहां पे प्रेजेंट है? देखो ये हमारे दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, दिस इज मिडियस्टिनम. ये जो कैविटी है ये है मिडियस्टिनम. यहां पे दिस इज हार्ट, और इसके नीचे यहां पे बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज थाइमस, एंड इट इज प्रेजेंट बिलो चेस्ट बोन. आपको पता है थोरेसिक कैविटी है ना, ये सब किसमें है? थोरेसिक कैविटी में. अगेन मैं यहां पे बता रही हूं कि अगर आप ये देखेंगे, सो दिस इज ये जो है ये क्या बना रही है? थोरेसिक कैविटी बना रही है. मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये आपने प्लस वन में भी किया है. ये जो दिख रहा है आपको दिस इज चेस्ट बोन, ये जो आगे वाली है दिस इज चेस्ट बोन, पीछे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, साइड में रिब्स है, इसके अंदर जो कैविटी है वो सारी क्या है? दैट इज थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी में यहाँ दो क्या आ जाते हैं? लंग्स आ जाते हैं, और बीच में चेस्ट बोन के नीचे जो है खाली जगह आ जाती है, दैट इज मिडियस्टिनम, जहां पे क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है. सो वेयर थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट, थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो चेस्ट बोन इन द मिडियस्टिनल कैविटी, राइट. नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा जी, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हमने एंडोक्राइन में भी आपको लास्ट ईयर बताया था कि जो थाइमस ग्लैंड है ये इट इज वेरी एनलार्ज्ड, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, किस टाइम? एट द टाइम ऑफ बर्थ. उसके बाद जैसे, क्योंकि बर्थ के टाइम, बर्थ के बाद जो है उस टाइम इम्यूनिटी डेवलप होनी है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ रही है इसका साइज कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और प्यूबर्टी तक इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है. एंड एट द एज ऑफ अबाउट 50 to 55 years इट गेट्स एट्रोफाइड. एट्रोफाइड मीन्स डीजेनरेटिव हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है. दैट इज व्हाई इम्यूनिटी गेट्स लोअर्ड आफ्टर द एज ऑफ 50 to 55 years, राइट. अनदर इज स्प्लीन. स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ईसोफेगस, ये स्टमक, तो स्टमक के यहां पे हियर इट इज स्प्लीन प्रेजेंट. सो इट इज बीन शेप्ड, ये इस तरह की शेप होती है. लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, जैसे बोन मैरो है वो पूरा लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, उसमें कुछ और सेल्स भी है,
ठीक है, बट स्प्लीन जो है इट इज लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, इसका हर पार्ट लिम्फोसाइट्स को यू नो स्टोर करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक, फीटस में जो स्प्लीन है इट इज रेड इन कलर, जो स्प्लीन है फीटस में अनबॉर्न चाइल्ड एम्ब्रियो में, आपको मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी बताया था कि लिवर एंड स्प्लीन दे फॉर्म ब्लड सेल्स टिल बोन मैरो इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इट फॉर्म्स ऑल ब्लड सेल्स इन द फीटस, बट इन द अडल्ट इट फॉर्म ओनली या इट कंटेन्स नॉट फॉर्म बट इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। इट एक्ट्स एज द ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसीज, जो आरबीसीज डेड हो जाते हैं वो कहां पे डिस्पोज ऑफ होते हैं, स्प्लीन से। इट ऑल्सो एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज को स्टोर भी करती है, एंड इट सिंथेसाइज आरबीसीज ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब बहुत ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, मतलब हमारा डिजीज हो जाए मलेरिया जैसा डिजीज हो जाए जहां पे ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो यहाँ पे इट सिंथेसाइज आरबीसीज ड्यूरिंग एमरजेंसी ओनली। देन इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती है, माइक्रोब्स को ट्रैप करती है और उनको यू नो डिस्ट्रॉय भी करती है। देन नेक्स्ट आ जाता है लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट है, जहां पे भी आपको पता है लिम्फ वेसल्स, थोरेसिक डक्ट, सबक्लेवियन डक्ट, ये सब है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स की वॉल में छोटे छोटे नोड्स है, ठीक है, जिनको कहते हैं लिम्फ नोड्स, ये दे एक्ट एज फिल्टर्स, ठीक है, इनमें लिम्फ फिल्टर होके जाता है, और फिल्टर ऐसे जाली से इसमें बनी होती है जिसमें से लिम्फ जब फिल्टर होता है तो जितने माइक्रोब्स है वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, और इन लिम्फ नोड्स में और क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है एंड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस मिलके इन माइक्रोब्स को मार देते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इवन अगर लिम्फोमा हो जाए, WBCs का कैंसर हो जाए, इवन द कैंसरस सेल्स कैन बी ट्रैप्ड बाय द लिम्फ नोड्स, ठीक है। बट वही बात है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे तभी कैंसर होकर भी ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत डेवलप होगा और बाकी का ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स को भी ट्रैप करके मार देता है। उसके बाद आ जाता है बेटा माल्ट, माल्ट है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दीज आर द मसल्स ऑफ, मैं बाद में लिखवा दूंगी, दीज आर द मसल्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ जेनिटल सिस्टम, राइट, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहां जहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन आती है वहां पर म्यूकोसा में द लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इज कॉल्ड एज माल्ट, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू इज माल्ट। इट डज नॉट फिल्टर लिम्फ, ये फिल्ट्रेशन नहीं करता, बट इट ओनली स्टोर लिम्फोसाइट्स, जैसे ही माइक्रोब्स उन लिम्फोसाइट से एक्टिव इंटरेक्ट करते हैं, लिम्फोसाइट्स एक्टिव होके देन दे किल द माइक्रोब्स, ठीक है। ये मैं अभी लिखवाऊंगी, पहले आप जो ये लिखा हुआ है ये लिख लो। नेक्स्ट इज माल्ट, माल्ट का क्या फुल फॉर्म है, माल्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या म्यूकोसा एसोसिएटेड, कई जगह म्यूकोसल लिखा है कई जगह म्यूकोसा है, एक ही बात है, ठीक है। इट इज, ये क्या है, दीज आर मसल्स ऑफ लिम्फोइड
टिश्यू इन म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, क्योंकि म्यूकोसा तो कहां पे है, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जेनिटल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 50% lymphoid tissue in our body. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, they do not act as filters of lymph. They do not act as filters of lymph. But क्या function है? Malt produces, ये produce भी करता है, produces and stores lymphocytes. ठीक है, it also contains macrophages. So this is about your lymphoid organs. Is it okay? ठीक है जी, मेन लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? दैट इज बोन मैरो. लार्जेस्ट सिंगल लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, या लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू? इट इज स्प्लीन. इज इट ओके? नेक्स्ट कम टू बेटा, हमने पिछली बार किए थे ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. मुझे बताओ, आई थिंक हमने डिफरेंसेस नहीं किए थे, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि हमने कर लिए थे डिफरेंसेस. अब आ जाइए डिफरेंसेस बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, डिफरेंसेस बिटवीन सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इन योर प्लस टू. सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इट इज विद द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड इट इज विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में आ जाइए. द टी लिम्फोसाइट्स देमसेल्व्स, द टी लिम्फोसाइट्स देमसेल्व्स मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. एंटीबॉडी बॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में, उसमें रिपीट कर सकते हो आप जो भी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में लिखिए, द टी लिम्फोसाइट्स देमसेल्व्स मूव्स टू साइट ऑफ इन्फेक्शन.
Whereas यहां पे activated B lymphocytes, they produce, they divide, produce plasma cells, they produce antibodies, and antibodies को हम और क्या बोल सकते हैं, immunoglobulins. क्योंकि ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है, सो दीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. ठीक है, तो एंटीबॉडीज दे मूव टू साइट ऑफ इंफेक्शन थ्रू ब्लड या थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड लिम्फ. Thus provide humoral immunity. Humoral का मतलब होता है body fluids. Thus provide humoral immunity. CMIS में लिखो, it may respond, जरूरी नहीं है, it may respond against incompatible transplants. अगर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है किसी रिसिपिएंट में, अगर दोनों के एंटीजन्स नहीं मिलते, द किलर टी सेल्स दे विल एक्ट ऑन द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन. वेयर एज ये नो रिएक्शन विद ट्रांसप्लांट्स. No reaction with transplants. जो CMIS है, it provides immunity against cancer. एंटीबॉडी मेडिएटेड में नो सच इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर्स. नेक्स्ट आ जाता है CMIS में, इट डिफेंड्स ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब्स. CMIS में इट डिफेंड्स ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब्स. AMIS में दे आर मेनली एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एंटीजन्स क्या है. एंटीजन्स का मतलब है एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस, राइट. सो राइट डाउन व्हाट आर एंटीजन्स. दीज आर द सब्सटेंसेस
विच इंड्यूसेस अवर इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडीज. दीज आर कॉल्ड एज एंटीजेंस. इनकी केमिकल नेचर क्या है? दे मे बी, दे आर जनरली, जनरली है, दे आर जनरली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. प्योर प्रोटीन्स नहीं है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स सच एज लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एटसेट्रा. कॉन्जुगेटेड का मतलब है प्रोटीन्स के साथ कोई और केमिकल्स भी ज्वाइन है. लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स अटैच्ड है. ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड, राइट. Then the antigens कहाँ पे present है? Antigens are present on surface of cells. सभी cells के surfaces पे antigens present है. They give specificity to the cells. Body ya our body, our immune system can recognize self antigens. Therefore, do not get activated against its own antigens. ठीक है, but इसके लिए एक्टिव हो जाएगा फॉरेन एंटीजेंस. बट गेट एक्टिवेटेड अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस, ठीक है, जो बाहर से एंटीजेंस आ रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है इट विल गेट एक्टिवेटेड, राइट. अब फॉरेन एंटीजेंस या हम कह सकते हैं नॉन सेल्फ एंटीजेंस. ओन एंटीजेंस को हम क्या बोल देते हैं? Self antigens. These are self antigens and non-self antigens. ठीक है जी. Next आ जाता है बेटा मम्मी क्या but get activated against foreign antigens या non-self antigens, जो बाहर से antigens आ रहे हैं जो अपने नहीं है. Next time आ जाते हैं बेटा APC, antigen presenting cells. मैंने आपको बताया था बेटा कि जब एंटीजन इनेट बैरियर को क्रॉस करता है ना, पहले फिजिकल बैरियर को क्रॉस करता है ना. कई बार तो फिजिकल बैरियर को, बैरियर जो है उसको अंदर नहीं आने देते, बट कोई एंटीजन फिजिकल बैरियर क्रॉस कर दिया, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर, सारे इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स क्रॉस कर दिए और हमारी बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यूज में पहुंच गया,
तो उस केस में हमारी बॉडी में कुछ सेल्स है जैसे मैक्रोफेजेस है, वो ट्राई कर रहे हैं कि मार दे हम एंटीजन्स को, बट मर नहीं रहे। तो इसलिए मैक्रोफेजेस को पता चल गया कि अब हमारे बस की बात तो है नहीं, तो वो डेड एंटीजन, मतलब लेट अस से डेड बैक्टीरिया का एंटीजन, राइट, ये डेड वायरस का एंटीजन, वो लेके जगह जगह पे मूव कर रहे हैं, जहां पे भी लिम्फोइड टिश्यूज है उनको एक्सपोज करवा रहे हैं कि ये एंटीजन आ गया, ये एंटीजन आ गया, ये एंटीजन आ गया है, सो दैट द स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स गेट एक्टिवेटेड। सो मैक्रोफेजेस आर वन ऑफ द सेल्स विच एक्ट एज एपीसी, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो लिख लो, द सेल्स दैट एनगल्फ, एपीसी क्या है, द सेल्स दैट एनगल्फ antigens and present the fragments of dead antigen and present the fragments of dead antigen to helper T lymphocytes present at various sites in our lymphoid tissues. These can be मैक्रोफेजेस या फिर डेंड्रिटिक सेल्स, दीज कैन बी मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। सो डेंड्रिटिक सेल्स आर लाइक मैक्रोफेजेस बट have long processes. But have long cytoplasmic processes. They are dendritic cells. But इतना की पता, नाम ही पता होना चाहिए। These are antigen presenting cells. Now, next आ जाता है बेटा antibodies. These are produced against specific antigens. एंटीबॉडी फैक्ट्रीज, मैंने आपको बताया था, दीज आर प्लाज्मा सेल्स, टाइप्स ऑफ, या हम कहेंगे डिफरेंट टाइप्स of antibodies, AB मतलब antibodies which can recognize, different antigens
these are 10 to the power 6 type. मतलब इतनी टाइप की एंटीबॉडीज है जो इतने टाइप के एंटीजेंस को जो है वो पहचान सकती है और उनको खत्म न्यूट्रलाइज कर सकती है. ठीक है, ये लिखो बेटा और एक मिनट रुको. ठीक है बेटा, तो हम कर रहे हैं बेटा दैट इज एंटीबॉडीज. तो 10 to the power 6 टाइप की एंटीबॉडीज है जो इतने माइक्रोब्स को पहचान कर उनको किल कर सकती है. हमारे अंदर इतने माइक्रोब्स अभी तक गए नहीं होंगे जितनों के लिए नेचर ने हमें प्रिपेयर कर दिया है. बट अगेन वही बात है, जैसे व्हाट हैपेंड, माय डॉटर शी हैड सम कोल्ड, बट अगेन देयर आर मेनी पीपल इन माय होम. चल डॉक्टर के पास, चल डॉक्टर के पास, चल. उन्हें भी चार दवाइयां देती हैं. ठीक है, तो बस वो दवाई ले ले ले. वो बेचारी नहीं भी लेना चाह रही थी बट उसको दवाइयां दिलवा दी, बट कोई फायदा नहीं. इससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं. टेम्परेरी तो ठीक हो जाएगा बट उसके इम्यून सिस्टम को टाइम ही नहीं दिया काम करने का, तो कैसे, उसमें तो जंग लग जाए. ठीक है ना, तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कैपेबल है, सिर्फ उसकी कैपेबिलिटी को हमने एक्सप्लोर करना है और डेवलप करना. राइट, सो ये है. अब जो एंटीबॉडीज है, कॉम्पोजिशन क्या है, these are globulin proteins. क्योंकि immunity देती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, immunoglobulins formed of 4 polypeptide chains. टू हैवी चेन्स जो बड़ी चेन्स है एंड टू लाइट चेन्स जो छोटी है, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, देयरफॉर इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं H2L2 से. राइट, तो हम स्ट्रक्चर बना के देखें. And remember that polypeptide chains are joined by एक दूसरे से कैसे, different polypeptide chains कैसे joined है, by diasulfide bridges. These are joined by diasulfide bridges. Y-shaped structure है ये. ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम. शेप क्या है, शेप इज Y-shaped. आप देख सकते हैं. These two are heavy chains, बड़ी chains. These are two light chains, right? ये
हैवी चेन्स है और ये छोटी वाली लाइट चेन्स है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायसल्फाइड ब्रिजेस, राइट। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लें, एक मिनट, यहाँ पे है एस एस और फिर इस साइड भी है, मतलब ये जहां पे आप देख रहे हो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है इस तरह से, ठीक है। लाइकवाइज हियर ऑल्सो, यहां पे भी, इधर भी आपने बना ली। सो दिस स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ये जो फ्रेगमेंट है दैट इज यहां से यहां तक, दोबारा से देख लो, यहां से यहां तक, दिस इज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जबकि जो बाकी की है दिस इज फ्रेगमेंट एफ सी। एफ सी क्या है? फ्रेगमेंट कॉन्स्टेंट या फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ये भी डायसल्फाइड बॉन्ड है। अनदर डायसल्फाइड बॉन्ड, अनदर डायसल्फाइड बॉन्ड, ये, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड का दिस इज कार्बन एंड, कार्बोक्सिलेट एंड है, जबकि ये अमाइनो एंड है, हर एक का, हर पॉलीपेप्टाइड का। लाइकवाइज दिस, दिस इज कार्बोक्सिलेट एंड, दिस इज एन कंटेनिंग एंड, ठीक है। पहले ये बना लो, फिर हम आगे चलते हैं कि ये कैसे क्या काम करती है क्या नहीं। ये देख लेना बेटा, दिस इज एंटीजन, दिस इज पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट ए बी, एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। यहां पे जैसे बाइंड कर रहा, राइट। ये भी बना लेना। So FC is F constant या F crystallizable, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लेना है antigens bind with FAB of antibodies. क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए है, डिफरेंट एंटीबॉडीज, ए बी मतलब एंटीबॉडीज, आपने प्रॉपर लिखना है दैट इज एंटीबॉडीज, आपने पूरा लिखना है, डिफरेंट एंटीबॉडीज हैव
different FAB, but FC is similar in all antibodies. Iska sirf structural role hai, FC ka. FC has structural role only. ठीक है, उसके बाद different type की पहले सुन लो फिर लिखना. Different type की antibodies कौन सी है? IgA, IgD, IgG, IgE and IgM. IgA ये एक सिंगल मोनोमर है. हो सकता है किसी एंटीबॉडी में एक ही मोनोमर है या एक से ज्यादा. ये कैटेगरीज है बेटा, पांच जो मैंने बताई है ये कैटेगरीज है. 10^6 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है जो इन कैटेगरीज में आती है. ठीक, तो IgD, IgG एंड IgE इन तीनों में एक ही मोनोमर है. IgA में 2 मोनोमर्स है, IgM में 5 मोनोमर्स है. ठीक है, तो IgG मैं आगे, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है बट वैसे मैं बता रही हूँ, IgG जो है ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है. IgM जो है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है. सिर्फ IgG एक ऐसी एंटीबॉडी है which can cross the placenta. IgA antibody, you know, it is present in colostrum, milk mein present hai. It is also, isliye it is also present in feces and tears also. Kyunki IgA feces mein, kyunki hamari alimentary canal mein IgA antibodies hai, so it is excreted in feces. Isliye isko copro antibody bhi kehte hai. जो IgD है इसका कोई खास फंक्शन नहीं, सिर्फ ये है इट हेल्प्स इन यू नो एक्टिवेशन ऑफ द अदर एंटीबॉडीज, इट हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजन, सिर्फ इतना फंक्शन है. IgG मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, एक्ट्स अगेंस्ट वेरियस माइक्रोब्स. IgE इट इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस. And these are responsible for autoimmune diseases also. Rheumatoid arthritis किसी को हो जाए तो उनके blood में IgE antibodies को detect किया जाता है. IgM जो है largest antibody, right? लिखो पहले, पहले आ जाइए IgA. Present in tears, colostrum. Colostrum आपको पता है, it is secreted after birth of the fetus for few days and then milk is secreted. पहले colostrum, which is rich in IgA, और उसके बाद milk. Then in intestine, as it is excreted in feces, thus called as, क्या बोलते हैं इसको, copro antibody. Cannot cross placenta, defend localized infections, उसके बाद second antibody है IgD. These are present
on surface of B cells, B lymphocytes के surface पे present होती है. And these help B cells to recognize specific antigens. उसके बाद third है IgG, smallest antibody. Most abundant antibody. Only antibody which can cross placenta. Most effective antibody. Most active हम कह सकते हैं. Kill antigens by phagocytosis. Or neutralize, act by neutralization. Unko ineffective kar deti hai, neutralization of antigens. Next, maine aapko bataya hi hai, IgE ke bare mein maine aapko bataya hi hai. IgE यहां से लिख लेना. एंड IgM, दीज आर लेस एक्टिव देन IgG. अगेन एक्ट बाय फैगोसाइटोसिस और न्यूट्रलाइजेशन या फिर एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन्स आपस में ही चिपक जाते हैं और इनइफेक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर अबाउट वेरियस एंटीबॉडीज. ठीक है, लिख लो फटाफट. बेटा एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिए. टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस, टी लिम्फोसाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बट दे एक्टिवेट, बट दे एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. To produce antibodies. Next हम आ जाते हैं बेटा active and passive immunity. Mom, to produce. To produce antibodies. बेटा हमें कोई लेटस से कोई से भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमारे लेटस से, हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो गई है ना, हमारे को थोड़ा सा डायरिया हो गया, थोड़ी सी वोमिटिंग आ गई, तो हम थोड़ा बहुत घर का इलाज करते हैं ताकि हमारे जो पेन है उसमें रिलीफ हो. और हम कहते हैं रेस्ट करो, पानी पियो, ये करो वो करो. ठीक है, इसमें क्या है, और कुछ टाइम बाद, एक दिन बाद, दो दिन बाद,
वी गेट रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज फ्रॉम दैट इन्फेक्शन. तो ये नहीं कि पानी पीने से या घर में अजवाइन खाने से या कुछ खाने से हमारे माइक्रोब मर गए, नहीं, उन्होंने तो हमें टेम्परेरी रिलीफ दिया है. बट अदरवाइज माइक्रोब्स को किसने किल किया, जो हमारे को पैथोजन था, जिसने हमारे स्टमक को अपसेट किया था, उनको किसने मारा, हमारे इम्यून सिस्टम ने, विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज एंड विद द हेल्प ऑफ किलर टी सेल्स, मेनली हम कह देते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है. तो जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट सम एंटीजन, अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. दूसरी बात है, हम सड़क पे गिर गए, ठीक है, हमें चोट लग गई, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं कि फटाफट से एटीएस का इंजेक्शन लगवा लो, एंटी टेटनस सिरम, ठीक है. किसी को स्नेक बाइट हो गई, स्नेक ने काट लिया, तो उसी टाइम जो है उसको मतलब कुछ ना कुछ हम वैक्सीन या सम ड्रग इट इज इंजेक्टेड. तो व्हाट इज दैट, जब स्नेक सांप का जहर हमारी बॉडी में है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एकदम रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं. हमें चोट लग जाती है, टेटनस ना हो तो एंटी टेटनस सीरम, मतलब जिसमें एंटीबॉडीज है, रेडीमेड एंटीबॉडीज जब इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी. इज इट राइट? तो लिखिए एक्टिव इम्यूनिटी, व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, ब्रैकेट में लिख लो, लिविंग माइक्रोब और डेड माइक्रोब, लिविंग माइक्रोब और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन्स. जैसे बेटा जो हमें कोविशील्ड लगी है ना, हमें वायरस के, ये कोविड 19 के अगेंस्ट जो हमें कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है, इट कंसिस्ट ऑफ डेड वायरस ओनली. तभी हम कहते हैं कि उस टाइम हमारी बॉडी में यू नो टेम्परेचर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जब हम वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि क्या डाला गया हमारी बॉडी में, अगेन कोविड का वायरस डाला गया है, ठीक है, बट वो डेड वायरस है, ताकि हमारी बॉडी उसको पहचाने और एंटीबॉडीज बना ले, ठीक है. व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, ब्रैकेट में लिख लो, लिविंग माइक्रोब और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, आवर इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, आवर इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन, अगेंस्ट दैट एंटीजन. हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल की बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी व्हेन अवर ओन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. सेकेंड पॉइंट लिखिए, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, क्योंकि बॉडी पहचानेगी फिर एंटीबॉडीज बनाएगी. एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो and takes time to give its full effective response, but is long lasting. नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन
is based on active immunity. तो इसलिए टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ठीक है, when we get naturally cured of infection by our immune system, हमें डिजीज हो गया तो हमारी बॉडी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई. When dead or weak or part of antigen is deliberately injected as vaccine to develop antibodies against specific antigen, it is called as artificial active immunity. For example, Salk पोलियो वैक्सीन, बीसीजी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी. When ready-made antibodies are given for quick response it is called as passive immunity. टाइप्स क्या है? वही है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में मदर्स में, आर्टिफिशियल में एटीएस एंटी टेटनस सिरम. प्रिपेयर्ड इन हॉर्सेस. टेटनस का जो पैथोजन है वो हॉर्सेस में डाल देते हैं. हॉर्सेस में क्या है, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. हॉर्सेस में से सिरम निकाल के फिर एंटीबॉडीज को से हम वैक्सीन बना लेते हैं. Is it okay? Next, यहां पे natural में एक और लिख लेना, that is some antibodies are transferred to fetus through placenta.
some antibodies are transferred from mother to fetus through placenta. Is it okay? Okay, ji? So this is all for today.